काला आदमी देखेंगे, उसके होंठ बहुत मोटे होते हो, होंठ बहुत मोटे होते हो, और उसके बाल बड़े करने हो, सीधे नहीं नहीं और जिसका बच्चा ज्यादा काला होगा उसकी माँ ज्यादा साबुन लगा, 72 बार साबुन लगा लगा किसी तरह कालिया लिया गया, लेकिन वो साबुन को काला हो जाता है लेकिन कालिया लिया गया, लेकिन कुर्बान जाइए इस माँ के ऊपर वो काले को भी जान से बड़े बड़े काले सहाबी थे। आईना ले करके कंघी ले करके बाल को सीधा करने लगे कि नबी का जो सर था बीच में मां थी, दाई तरफ का बाल दाई तरफ, दाई तरफ के बाल दाई तरफ, बीच में मां निकालते थे। उन्होंने किताब में पढ़ा था, सुना था, और अब उन्होंने सोचा नबी के सर को देखा था, उन्होंने सोचा कि बीच में मां निकालते हैं, अब पसीना छूट गया, बाल कर देते हैं, सीधे नहीं हुए मांग रही रही ली। बीवी ने कहा कि कौन से काम में पड़े हो, तुम्हारे बाल कर रहे हैं, मांग कभी कभी नहीं लगी, तो सुस्त आया, लोहे की सलाला चूल्हे में डाला, जब वो सुस्त हो गई तो भी हटा करके सर पर कर लिया, ले अब कैसे मांग, बाल जल गए, खाल जल गए, जख्म लग लग गए। बीवी ने कहा ये सर काम दूसरा कर दिया, जख्म लगा दिया, दिया। उस आशिक ने रसूल का जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसा ऐसा रसूल से हम समझौता था। उस आशिक ने कहा कि जब जब तक जख्म है तब तक दम है, खुशी इस बात की है कि आज के बाद मेरा सर नबी के सर से मिल गया। आपको चैलेंज करता हूं मैं अपने बिहार और डोबी से आप चलिए पंजाब तक, किसी भी पंजाबी को आप ऐसा नहीं देखेंगे कि दाढ़ी ना हो, पगड़ी ना हो, दिखाइए आप दाढ़ी रखेगा जरूर, पगड़ी रखेगा जरूर, क्यों सब कुछ छोड़ देगा लेकिन धर्म को नहीं छोड़े, और सरदार दादा दा से कम है लेकिन सरदार को इज्जत मिली है, हम जलील हो रहे क्यों, हमने नबी के दीन को लाल लाल मारा, अल्लाह ने हमें जलील और खार किया, उन्होंने दीन धर्म दादा से टकरा, अल्लाह की इज्जत की चोटी पर पहुंचा।